6 बज गए हैं, सड़कों पे दर दर भटक रहा हूँ बाकू के। मेरे को जाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टैक्सी। वो बोल रहे थे स्कैन कर रहे हो। हाँ। स्कैन नहीं, इनका बैग लेके गया था रैपर मारने और हमारे पास पैसे की किल्लत है, फाड़ दिया इनका रैपर। घर का इंटरनेट इनकी वजह से चालू हुआ है मेरा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंगे होते हैं यहाँ अक्सर, दुबई का वीजा तो नहीं है, चार चार पाँच पाँच बार बैग आपका स्कैन होगा, सिक्का भी आपके जेब में रहेगा तो आप छूट नहीं पाएंगे। 11 नंबर गेट से ही हम अभी लाइव आ चुके थे भाई के साथ फ्लाइट अबू धाबी के लिए। वीज एयरलाइन में मैं ये कर रहा हूँ, बैगेज का कोई तकलीफ नहीं हुआ, लैपटॉप बैग अलाउड नहीं करते। अजरबैजान इतना खास नहीं लगा, अभी लास्ट में ही बोलना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हुआ अभी बाकू अजरबैजान में, मेरी फ्लाइट है 11 बजे अबू धाबी के लिए। तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं बाकू से मेरा होटल अबू धाबी तक कैसे गया, गया भी या नहीं गया। तो करते हैं अपना व्लॉग शुरू। दोस्तों इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। रिसेप्शन का नज़ारा सुबह सुबह, इधर का टाइम हुआ है लोकल टाइम है 6:15 बज गए हैं और एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए 1 घंटे की ज़रूरत है। यहां से हमें कोई रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम अभी बाय वॉकिंग ही जाएंगे। अभी सुबह नहीं हुई है तो हो सकता है थोड़ा अंधेरे की वजह से मैं दिख ना पाऊँ आपको, लेकिन मैं अभी सड़कों पर दर दर भटक रहा हूँ बाकू के। मेरे को मेट्रो से पकड़वानी है एयरपोर्ट। यह गया मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन इस टाइप से है, यहाँ से एग्जिट और मैं अभी जा रहा हूँ वह है एंटर। एंटर की सुविधा इस साइड से अलग स्टेशन, बाकी मेट्रोपॉलिटन एलम और डिनाइट। मैं हूँ अभी मेट्रो स्टेशन पे जो बाकू का, मेरे को एक पहुँचना है एक जगह पे, वो जगह पहुँचने के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ टिकट। अभी जस्ट एंटर हो चुका हूँ मैं, बाकी लोग वो रिचार्ज करने में, अब देख सकते हैं उनका रिचार्जिंग का गड़बड़ चल रहा है। पीछे मैं आया हूँ मेट्रो में, उनकी मेट्रो है 2 किलोमीटर नीचे है, बाकी से रशिया में थी। मगर रखने वाला एक डेस्क रहता है वहाँ, मेरे को चिप चिप के बनाना पड़ रहा है। उस टाइप से कैबिन बनी होती है, अगर उन्होंने ले लिया कैमरा तो हो जाएगी गड़बड़। अभी मेट्रो से कोरागुलु स्टेशन पे उतरा हूँ। बस का ठिकाना पूछते ही 10-15 मिनट के गुजर गए। मेरा जो ऑफलाइन मैप है अभी भी काम कर रहा है, ऑफलाइन मैप अभी दिखा रहा है मेरा लोकेशन ये यहाँ पे है और मेरे को जाना है इस साइड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और बस की जगह हमने लिया है टैक्सी। इसी स्टेशन से हम पहले भी गए थे हमारी ओल्ड हॉस्टल के लिए, यहाँ से हमें मिलने वाला है टैक्सी टू एयरपोर्ट, बिकॉज
ये पंगा होने वाला है कि बस में ज़्यादा टाइम में जाए, इसलिए टैक्सी का। एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी का मैंने यूज़ किया है। यहाँ एटीएम पे रुक के उसको मैंने 10 मन्नत निकाल दिया था। हमारी टैक्सी का भाड़ा बनता है 6 मन्नत, और जो आगे टैक्सी गई है उसका भी बनेगा 6 मन्नत। पहुंच गए अभी। रुको, उसको पैसा दे, मैं उसको पैसा दे। हमारा एक जो बच्चा था उसको दे रहे। ओके ब्रो, थैंक यू। ओके ओके। कार्ड चला, लेकिन पंगा ये हुआ था। पहली बार मैं जब खड़ा था ना टैक्सी के यहाँ, वो कार्ड के नंबर मोबाइल में भर रहा था, इससे डर गया मैं। उसमें साड़ी के बैग के साथ बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। स्कैन स्कैन के ऊपर लेके चल गया, हेल्प कर रहा, ये बोल रहा है हेल्प कर रहा, वो बोल रहे थे स्कैन कर रहे हो, स्कैन नहीं। इनका बैग लेके गया था रैपर मारने, और हमारे पास पैसे की किल्लत है, तभी कुछ मान ही नहीं रहे हूँ। फिर उसने वो फाड़ दिया इनका रैपर। ये रहा मेरा टिकट, एयरलाइन बुकिंग रेफरेंस नंबर, हैदर अली इंटरनेशनल से अबू धाबी का फ्लाइट है। मैं आज तारीख है 3 दिसंबर, 11:15 का फ्लाइट है, 2 बजे। यहाँ बाकू एयरपोर्ट पे आके जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन का कंपनी है उसको मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया था, तो अभी 2 घंटे के बाद उन्होंने उठाया है फ़ोन। ये बंदा मेरे अभी वीडियो कॉल पे है। तो मैं बाकू एयरपोर्ट, क्योंकि घर का जितना भी 8-10 फोन है ये सारे ठप पड़े हैं कल से। उन्होंने मेरे को कहा ना, बहुत सारे मैसेज दिए थे लेकिन मेरे पास इंटरनेट न होने की वजह से पता चला मेरे को 6 बजे। उनसे रिक्वेस्ट की है तो घर का इंटरनेट इनकी वजह से चालू हुआ है मेरा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से जितना सोपस्कर पार होना था, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपको पासपोर्ट पहले करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। इस आदमी ने 10 मिनट लगाए सारा पासपोर्ट छानने में, यानी पासपोर्ट में कुछ तो देखते हैं, उसके बाद एयरलाइन का टिकट जो बोर्डिंग पास मिलता है वो लेने के लिए फिर 5 मिनट। उसको मैंने मांगा था विंडो सीट, ये 22D मालूम नहीं है कि विंडो सीट है या नहीं। जो पीछे आप मेरे काउंटर देख रहे हैं ये वो चेकिंग काउंटर है एयरलाइन वाले, ये वही काउंटर है जिस काउंटर से मैंने मेरा जो कैबिन बैग है, कैबिन बैग के लिए कुछ तो स्टिकर लगाया उन्होंने। और ये रहा बाकू एयरपोर्ट का डिपार्चर गेट से मैं ऊपर आया हूँ, वहाँ सारे बैग स्कैन वगैरह सारा मामला झमेला उधर ही होता है। अभी हमें इमिग्रेशन के इधर जाना है, ये लाउंज एरिया है। अगर आपके पास कोई वीज़ा डेबिट ऐसा कार्ड है जिसका प्रीमियम लाउंज आप पा सकते, तो इस जगह आके 1-2 घंटा जो आपके पास रहता है उसका आनंद उठा सकते हैं। मैकडी हमारा इमिग्रेशन क्लियर हुआ है। बहुत सारे पंगे होते हैं यहाँ अक्सर, क्योंकि यहाँ वीज़ा दिक्कत। अभी ये भाई जो है, भाई के साथ एक दिक्कत ऐसा हुआ है कि उसके पास दुबई का वीज़ा तो नहीं है, फिर भी उसको एंट्री कैसे दी पता नहीं। वो ट्रांजिट बिंजिट का जो रहता है ना चक्कर, वहाँ उसके पास कोई वीज़ा नहीं है, उसको कैसे छोड़ा, चार बार चेक करके पता नहीं। लेकिन यहाँ का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको लोग हल्के में नहीं लेते हैं। पाँच बार बैग आपका स्कैन होगा, एक सिक्का भी आपके जेब में रहेगा तो आप छूट नहीं पाएंगे मेटल डिटेक्टर से। यहाँ जितना मैंने सिक्योरिटी देखा है वो पहले कभी नहीं देखा था। अगर आपके पास कुछ गलत चीज़ें पाई गई तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा यहाँ। और आपके पास डॉक्यूमेंट की तो कोई कमी होनी आसार अगर है तो आप आना भी नहीं है ऐसे कंट्री में। ये सारा सिक्योरिटी का चक्कर हम काट के अभी हमें जाना है गेट नंबर 11 पे, 6-8-6-8-13-15 ऐसा दिख रहा है। आप देखे होते हैं एयरपोर्ट के ये बड़े बड़े जो ये होते हैं शॉप्स, उनमें बहुत सारी लग्जरी चीज़ें बेची जाती है।
अब देख सकते हैं लग्जरी चीज़ें किस टाइप से। गेट नंबर समझने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मैं ढूंढना है गेट नंबर 11-712 ए। मिडल एरिया बनाया जाता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, इसलिए हमें इधर उधर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अभी हम 11 पे जाके मिलेंगे आपसे। और इस 11 नंबर गेट से ही हम अभी लाइव आ चुके थे भाई के साथ, तो हमने उस लाइव में भी बहुत सारा समझा है। अगर आपने ये लाइव नहीं देखा है तो लाइव भी देखिए, उसके ऊपर हमने इस बात का ख्याल रखा है कि अजरबैजान अगर कोई आ रहा है तो उसको वीज़ा इंफॉर्मेशन, लोगों की इंफॉर्मेशन, एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन पूरी यहीं की यहीं निपट दें। कि अजरबैजान इतना खास नहीं लगा, अभी लास्ट में ही बोलना पड़ रहा है। जो 11 नंबर गेट है यहाँ से जाएंगे, हमारी फ़्लाइट अभी तक कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, शायद हमारी अबू धाबी वीज़ एयर का कुछ एयरक्राफ्ट आया है, सिल्क वीज़ एयर एयरलाइन का फ्लाइट आ चुका है। यहाँ से ऑफ लोडिंग हो रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। यही वो फ्लाइट है, वो जाएगा दुबई। मेरे पीछे फ्रेम में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट, हमारी दुबई के लिए बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और इस 11 नंबर गेट से जाएगी फ्लाइट अबू धाबी के लिए। और सुबह से इतना भाग दौड़ी है यहाँ तक का रहा हमारा सफ़र। और ये वीज़ एयरलाइन में मेरा फर्स्ट टाइम वीज़ एयरलाइन में मैं ये कर रहा हूँ, बैगेज का कोई तकलीफ नहीं हुआ। मेरे को लगा ये बजट एयरलाइन होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उन्होंने बैग अलाउ कर दिया। कोई कोई फ्लाइट में लैपटॉप बैग अलाउड नहीं करते, सीधा बोलते हैं कि 8 kg या 10 kg। मेरे पास थोड़ा एक दो केजी ओवर होता है, क्योंकि यहाँ जो कपड़े लाए थे कपड़े ही है सिर्फ, ये 6 kg है सिर्फ, और ये शायद 3.5 kg है जो टंगा हुआ है पीछे। ये हो गए हमारा अबू धाबी के लिए चेक इन एयरलाइन की काउंटर से, अभी थोड़ी देर में फ्लाइट में को देखना था ये नीचे कैसे जाते हैं, ऐसा सिस्टम है क्या आने और जाने वालों को, आने वाला और जाने वालों के लिए सेम टू सेम है। लास्ट मिनट पे है हम फ्लाइट के, रहा फ्लाइट हो बैठने के लिए उतनी अच्छी जगह नहीं होती है टॉयलेट, पर कितना कम स्पेस है, बहुत ही कम स्पेस है। قل أنت لا يقوم تأكيد إجمال أحزمة المقاعد شكرا أن يمتلك بانت بوش لأن تجد أن تكون أكثر الطرفين بعدين وشد الحزام عبر تحت الطرف غير الثابت لفك الحزام أو تغلق أكشفك. Now we are going to show you how to use the oxygen mask and how to put on we
का दुबई का आधा सफर पूरा हुआ है। देख सकते हैं बाहर जो सपना था कि हम एक बार में चार कंट्री का पूरा हुआ। स्वागत है, स्वागत कम्प्लीट बैठ गए, ज़्यादा आवाज नहीं निकल रहा है। अभी फ्लाइट ले रहा हूँ पर ये जो कुछ बैग लेने को कहा था भैया जी ने मेरा बैग लेके आया। चो 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 पूरा किया फोर्थ कंट्री का पहुँच चुका हूँ उधर। इसके बाद सारा इमिग्रेशन का झंझट होगा तो मैं उनका कितना अनुभव अच्छा रहा ये भी बताने वाला हूँ। मेरे पास बैगेज न होने के कारण बाहर निकलने में आसानी होगी क्योंकि सिर्फ कैबिन बैगेज है मेरे पास। एयरपोर्ट तो बहुत हाईटेक है अंदर से कुल एयरपोर्ट। और इस तरह मैंने मेरा यहाँ तक का सफ़र पूरा किया। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैंने यहाँ अज़रबैजान बाकू से जितना भी जिला है यहाँ अभी तक बहुत सारी बातें हुई जो आपको मैंने बताई इस ब्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड टू द टीवी ड्रीम ब्लॉग।